हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे सामने ये हिबिस्कस का प्लांट पड़ा हुआ है जिसे कि गुड़हल भी बोलते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है जो आप लोग भी हमेशा कमेंट करते हैं मुझे। इसमें देखिए बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं। येलो कलर का हिबिस्कस का ये प्लांट है मेरा, ऑरेंज येलो सा कलर इसमें खिलता है और हाइब्रिड क्वालिटी का है। इसमें कोई भी लीव आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो येलो होकर गिर रही है या किसी लीव में कोई प्रॉब्लम है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रहा है और बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं। कोई ये नहीं है कि बर्ड्स नहीं बन रही, बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर, हैवी क्वांटिटी के अंदर बर्ड्स बन रही हैं इसके ऊपर। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, इसकी देखिए सॉयल भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के अंदर है, बिल्कुल सॉफ्ट है, पोरस है, कोई भी ओवर वाटरिंग नहीं की हुई मैंने इसके अंदर, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी जो बर्ड्स बन रही हैं वो येलो होकर गिर रही हैं। तो आपके साथ यही शेयर करूंगा। मैं इसको फर्टिलाइज़र देता हूं आज। मैं एक नया ट्राई करके देखूंगा भी क्या इसका रीज़न हो सकता है। एक नया फर्टिलाइज़र ट्राई करेंगे, नए इस पे टेक्निक आजमाएंगे, थोड़ी सी देखेंगे भी क्या उस तरीके से इसके साथ वो सिर्फ दो या तीन चीज़ें डालने से क्या इसके बर्ड्स येलो होना बंद हो जाएंगे, क्या ये अच्छी तरह से ब्लूम करेगा। जो भी इसका रिज़ल्ट रहेगा मैं विद अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, देखिए ये कॉफ़ी का पाउच, जो सिंपल आप कॉफ़ी का पाउच मिल जाता है, इसको हमने जो कॉफ़ी ग्राउंड्स होते हैं इसको अनयूज्ड यूज़ करना है। फ्रेश कॉफ़ी का पाउच लेना है, मतलब जो यूज्ड कॉफ़ी होती है उसके बाद जो उसके कॉफ़ी ग्राउंड्स बच जाते हैं। जैसे आप कहीं पर भी कॉफ़ी कैफेटी वगैरह या कहीं पर भी आप जाओ तो वहाँ पर उनके पास आपको उसका वेस्ट मिल जाता है, वैसा यूज़ नहीं करना क्योंकि उसके अंदर एसिडिक सॉइल करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो फ्रेश कॉफ़ी ग्राउंड के अंदर ही होती है सॉइल को एसिडिक बनाने की। हो सकता है हमारी सॉइल के अंदर एसिडिक लेवल कम हो गया हो और इसके अंदर नाइट्रोजन भी भरपूर रहती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने की कैपेसिटी होती है, तो ये चीज़ इसके अंदर एक पाउच ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगा नीम खली, नीम केक पाउडर जिसको बोलते हैं। इसके अंदर भी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी भरपूर रहती है। एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और हर तरह की कमी को, ये सॉइल को रिच बनाता है, हर तरह की कमी को दूर करता है। तो ये मेरे पास एक सिंपल नीम खली है जिसको कोई भी ब्रांड की नहीं है, देसी वाली हमारी नर्सरीज पर यहाँ पर मिल जाती है 30 से 40 रुपए किलो के हिसाब से। तो वो नीम खली है, इसकी लगभग 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें ऐड करूँगा। तो ये तो पहले ऐड कर ही देते हैं इसकी सॉइल के ऊपर, मैं देखिए बाद में इसकी गुड़ाई कर देंगे। ये देखिए इसकी सॉइल में ये इस तरह से 1 मुट्ठी और भरकर मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, ये देखिए, और इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे बाद में। और इससे क्या होगा, किसी भी तरह का फंगस या कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक भी हमारे प्लांट के ऊपर नहीं होगा। और फिर तीसरे नंबर पर देखिए ये मैं सी वीड एक्सट्रैक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये देखने में चाय पत्ती की तरह लगते हैं, समुद्री घास का फर्टिलाइज़र भी जिसको बोलते हैं सी वीड एक्सट्रैक्ट। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर देते हैं और स्लो रिलीज़ हैं, बहुत अच्छा सा इनका रिज़ल्ट रहता है और नाइट्रोजन भी देते हैं। तो इसको भी लगभग ये 2 चम्मच सी वीड एक्सट्रैक्ट भी इसके प्लांट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब हमारा सिर्फ कॉफ़ी ग्राउंड है जिसमें कट करके पाउच इसमें ऐड कर देता हूँ। ये कॉफ़ी का पाउडर है जिसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इसको अच्छे से सॉइल के अंदर मिक्स कर देना है बहुत बढ़िया से तरीके में चारों तरफ, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर अच्छी सी, खूब अच्छी सी वाटरिंग कर देंगे, पानी दे देंगे। जब तक कि पानी पॉट के ड्रेनेज होल से नीचे से ना निकल जाए तब तक इसके अंदर अच्छे से पानी देंगे। और इसको वहीं पर लोकेशन पर, उसी लोकेशन पर वापस रख दूंगा जहां पर ये पहले पड़ा हुआ था। तो फिर कुछ दिन बाद रिज़ल्ट देखते हैं इसका क्या रहेगा, और अगर ये फ्लावर्स खिलते हुए नज़र आए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये वीडियो। तो देखिए दोस्तों, लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं मुझे वो फर्टिलाइज़र इसकी सॉइल में ऐड किए हुए। तो अभी भी देखिए ये इसकी जो बर्ड्स हैं वो, कुछ एक बर्ड्स अभी भी रुकी नहीं है, पीली होकर गिरती रही। ये देखिए इसके पोर्ट के ऊपर से ये सभी के सभी सूख गई बर्ड्स। और भी दिखा, ये देखिए सारी की सारी जो बर्ड्स हैं ये इसी तरह से इसके ऊपर से गिर रही हैं कंटिन्यू, अभी भी ये रुकी नहीं है, इनका काम रुका नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ये बेस से येलो होके ब्राउन होके फिर ये गिरती जा रही हैं।
जबकि हमने जो फर्टिलाइजर दिया था वो अच्छी तरह से सॉयल में वर्क करना शुरू कर दिया है उसने तो, लेकिन अभी भी फिंगर क्रॉस्ड हैं। तो उम्मीद है मुझे, ये देखिए ये जो बर्ड्स का अब साइज़ है, ये मुझे लग रहा है कि अब ये बड़ी होंगी बर्ड्स और खिलेंगी। अब फर्टिलाइज़र ने अपना पूरा वर्क करना शुरू कर दिया है, तो 2-3 दिन और वेट करते हैं, और जो ये इसकी जो सूख गई हैं, जो बर्ड्स जो खिली नहीं हैं, वो मैं रिमूव कर रहा हूँ साथ के साथ। ये देखिए रिमूव कर रहा हूँ मैं। बर्ड्स की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा बन रही है, लेकिन वही खिलने की प्रॉब्लम थी, तो सभी की सभी मैंने, अब जो ड्राई बर्ड्स थी सभी की सभी मैंने रिमूव कर दी हैं। तो 2-3 दिन और वेट करते हैं, अगर ये बर्ड्स खिली तो बताता हूँ आपको, देखते हैं फिर दोबारा। तो देखिए दोस्तों, आज 20 से 25 दिन हो चुके हैं मुझे फर्टिलाइज़र को दिए हुए, तो आज इसकी फिर से अपडेट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसकी अभी भी उसी तरह से, इसकी कुछ एक बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल, ये देखिए बहुत बर्ड्स आ रही हैं इसके ऊपर, लेकिन इस तरह से ही ये देखिए ब्राउन हो रही हैं, काली पड़ रही हैं और गिर रही हैं। लेकिन अब बिल्कुल मानसून आने वाला हो गया है, बिल्कुल मानसून पास है अब, तो थोड़ा मौसम में भी फ़र्क पड़ चुका है, हल्की सी अब ठंडी हवाएं हैं। तो अब दिखा रहा हूँ आपको, देखिए मेरी बहुत सी बर्ड्स आई गिरी, लेकिन अब देखिए हमें कामयाबी मिल गई है, थोड़ा सा क्लाइमेट ने भी इफ़ेक्ट दिया है। और ये देखिए हमारा पहला जो इसके ऊपर फ्लावर है वो खिलने वाला है, 1-2 दिन में ये खिल जाएगा। तो मीन्स हमारा जो फर्टिलाइज़र था उसने अब प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया है 20 से 25 दिन बाद, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र था, मैंने कोई भी इसको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया था, तो उसके कारण इसने थोड़ा स्लो वर्क किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमारे प्लांट्स पर बहुत अच्छा मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारी ये बर्ड खिलने वाली है, और जो जितनी भी डेड बर्ड्स थी मैं फिर से हटा दूंगा उन्हें। ये देखिए इसके ऊपर कम से कम भी 150-200 ऐसी बर्ड्स बनी जो बिल्कुल डेड हो गई लेकिन खिली नहीं, लेकिन अब जैसे जैसे मानसून पास आ रहा है तो ये बिल्कुल खिल जाएंगी, बहुत अच्छे से प्लांट ग्रोथ करेगा। तो मीन्स ये रिज़ल्ट निकाला मैंने कि नेचर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में अगर आप प्लांट को रख देंगे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, तब भी इसकी बर्ड्स ड्रॉप हो जाती हैं और फर्टिलाइज़र की कमी तो होती ही होती है। तो जब भी आप हाइबिस्कस को रखें, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर थोड़ा सा शेड हो, नहीं तो वो अपनी बड ड्रॉप कर देगा। और फर्टिलाइज़र का रेगुलर चेक रखिए, फर्टिलाइज़र उसको टाइम टू टाइम दीजिए। तो मैं अब बिल्कुल टोटली जितनी भी ये बर्ड्स ड्रॉप हुई थी तो वो निकाल दूंगा, और ये देखिए हमारी बर्ड्स खिलना स्टार्ट हो गई और हमारा प्लांट हेल्दी हो गया है। अभी आगे अक्टूबर नवंबर तक बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए रेडी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इसको मैं अब टाइम टू टाइम वही फर्टिलाइज़र रेगुलर देता रहूँगा। तो देखिए हमारा ये सक्सेस रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर किस दिन मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।